सईद खोसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला, ऐसा कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ की जानिब से तर्दीद सामने आ गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ स्पीकर ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से भी बयान सामने आ गया। मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है और स्पीकर के किरदार को मीडिया पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। रेफरेंस से मुतालिक चलने वाली खबरों की तर्दीद करते हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से बयान भी आ गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला, और आपको बताएं कि ऐसा कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ की जानिब से तर्दीद की गई है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ स्पीकर ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान सामने आ गया। मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। स्पीकर के किरदार को मीडिया पर मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। रेफरेंस से मुतालिक चलने वाली खबरों की तर्दीद करते हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तर्दीद की गई है।